हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोरंटो वर्सेस वीके के बारे में, जो कि दोनों टीमों के लिए मैच जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं पे टोरंटो जो है 5 में से 2 मैच जीता है, वहीं पे वीके जो है 5 में से 3 मैच जीता है। तो फ्रेंड दोनों ही टीमों ने प्रीवियस मैच जो है विन किया है, तो दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है लगभग सेम हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेइंग 11 के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को जो है रिसेंट प्लेयर्स का जो है रिकॉर्ड आपको किक बस में देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि कौन सा प्लेयर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी मैं आपको तो बताने वाला ही हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टोरंटो के प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ पर कामरान अकमल है, जॉनसन चार्ल्स है, स्मिथ है, एंथन डेविस है, कैरन पोलार्ड है, नीतीश कुमार है, डैरन सैमी, उस्मान मीर, मोहम्मद शमी, क्रिक विलियम, नवजीत सिंह। तो ये सारे जो है लगभग कंफर्म है। वहीं पे जो है निखिल दत्ता की जो कि जिन्होंने प्रीवियस मैच नहीं खेला था, शायद इस मैच में जो है उसे मौका मिल सकता है, या फिर मोहम्मद नबी भी नबीद जो है वही खेल सकते हैं। तो फिर हम बात कर लेते हैं नाइट्स की। तो यहाँ पे क्रिस गेल ने प्रीवियस मैच पर रन किया था, इवन लुइस ने भी रन किया था। वॉल्टन हालांकि 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन वैन डर्स इन्होंने अच्छा रन किया था, बावर ने अच्छा थोड़ी बहुत रन बनाया था, रसेल ने भी प्रीवियस मैच में रन बनाया था। उसके बाद टीम सऊदी फॉरवर्ड अहमद, स्टीवन जेकॉब, सालन क्वार्टर ने इन्होंने बहुत ही अच्छा 3 या 4 विकेट लिया था। वहीं पे साद बिन जफर, तो फ्रेंड इन्होंने सभी ने लगभग दोनों टीमों के सभी प्लेयर ने लगभग अच्छा परफॉर्म किया हुआ है प्रीवियस मैच में जो उन्होंने जीता है। वहीं पे इंपॉर्टेंस प्लेयर आपके पास रहेंगे जॉनसन चार्ल्स, स्टीवन स्मिथ, वहीं पे आपके पास जो है एंथन डेविस है, नीतीश कुमार है, क्रिस गेल है, एवन लुइस है, वेंडर है और एंड्रे रसेल है। तो फ्रेंड हम लोग बात कर लेते हैं आप ड्रीम 11 टीम के बारे में, जिससे आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो और नीचे कमेंट ज़रूर करना अगर आपको इस मैच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग रिवर्स टीम में बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मैच पे जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने वॉल्टन को ज़्यादातर लोग लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे कामरान अकमल को लिया है। वहीं पे बात कर लेते हैं बैट्समैन में, तो बहुत सब लोग जो है 90% लोग जो है स्मिथ को लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। मैंने यहाँ पर क्रिस गेल और इवन लुइस को लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर राइसी वेंडर को लिया है, वहीं पर मैंने बाबर हैद और नीतीश कुमार को लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है जॉनसन चार्ल्स, उसके बाद आप चाहें तो डैरन सैमी या फिर स्मिथ को ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे ऑलराउंडर में मैंने एंड्रे रसेल और एंड्रे डेविस को लिया है। आप चाहें तो कायरन पोलार्ड को ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट टीम बनाता हूँ जैसे कि आपको पता है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। बॉलर्स पे मैंने यहाँ पे मोहम्मद शमी को लिया है, सेल्डन को लिया है, और अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड अहमद को लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह जो स्टीव जेकॉब को ले सकते हैं, उस्मान मीर को ले सकते हैं, साद बिन जफर को ले सकते हैं। तो फ्रेंड थोड़ी बहुत चेंजेस आपको करना ज़रूरी है अगर आप अच्छा विन करना चाहते हो। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे वाइस कैप्टन यहाँ पे कामरान अकमल को लिया है, बहुत ही यूनिक चॉइस है, अगर चल गया तो आप फर्स्ट भी आ सकते हो। वहीं पे कैप्टन मैंने यहाँ पे जो है एंड्रे रसेल को लिया। मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर को लिया है, लेकिन इसलिए मैंने जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है जो यूनिक प्लेयर को बनाया हुआ है। तो फ्रेंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और नीचे कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।